मेरा नाम है सादत, डॉक्टर सादत अली। मैं यहाँ पर हूँ, जो गाइड लैब में ही हमारा डिपार्टमेंट है, जो बच्चों में और बड़ों में जो खानदान के अंदर जो बीमारियाँ आती हैं उनके टेस्ट हम करते हैं, ये बताते हैं। कभी आप में से किसी बच्चे ने थैलेसीमिया का नाम सुना है? टीवी के ऊपर थैलेसीमिया खून की एक बीमारी है जो खानदान में माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफर होती है। इस तरह की बीमारियों के टेस्ट हम करते हैं। तो हमारी लैब है, उसमें हम केमिस्ट्री भी इस्तेमाल करते हैं, बायोलॉजी भी इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम हमारी जो एक्टिविटी है साइंस, आप लोगों को साइंस की दिलचस्पी होनी चाहिए, इसके लिए हमने जो है वो ये एक्सपेरिमेंट्स, ये चीज़ें डिजाइन की हैं। केमिस्ट्री जो है वो केमिकल्स का नाम सबको पता है, केमिकल का डील। सो केमिकल हमारी बॉडी के अंदर, कोई नाम केमिकल किसी का बता सकते हैं आप मुझे? किसी केमिकल का नाम बता सकते हैं? नाक के ऊपर नहीं चलता, पीना नाक है। तो जो है केमिकल का पता है आपको? ऑक्सीजन का पता है? आपको नहीं पता ऑक्सीजन का? अच्छा, वाटर का पता है? वाटर का भी नहीं पता। ये कौन सी क्लास में है? प्रेप में है। पानी का नहीं पता आपको? पानी नहीं पता। बाकी सबको पता है ना जो मैं बोल रहा हूँ? ऑक्सीजन, वाटर, ये सारा सबको पता है। तो ऑक्सीजन जो है वो एक, उसको कहते हैं एलिमेंट, एलिमेंट होता है। और सांस लेते हैं। हाँ जी, सांस लेते हैं, हवा में होती है। इसी तरह कार्बन का भी सबको, किसी ने नाम सुना है कार्बन का? कार्बन जो जो पेंसिल के सिक्के के अंदर होता है वो क्या होता है? लेड होता है वो, ठीक है। इसी तरह सोने का पता है आपको? सोने की चूड़ियां होती हैं, वो भी एक एलिमेंट है। ये सारे एलिमेंट हैं। एलिमेंट जो है वो आपस में मिलके एक चीज बनाते हैं जिसको कहते हैं कंपाउंड, कंपाउंड बनाते हैं। तो एलिमेंट्स, केमिकल्स आपस में मिलते हैं और कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। कंपाउंड्स के नाम, वाटर एक कंपाउंड है, वाटर एक कंपाउंड है। जो नमक आप खाते हैं, सोडियम क्लोराइड उसका नाम है, वो भी एक कंपाउंड है, ठीक है। तो ये केमिकल्स मिलके और नए केमिकल्स बनाते हैं। हमारी बॉडी में हर वक्त केमिकल रिएक्शन, हम खाना खाते हैं तो वो खाना टूटता है और खाना फिर हम उसको इस्तेमाल करते हैं अपने एनर्जी के लिए, अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। ग्लूकोज या शुगर का नाम सुना है आपने? yes. ये भी केमिकल है। तो ये सब केमिकल्स हैं। और जो एलिमेंट्स मैंने बताए हैं उनको प्यार से, जैसा आपको किसी को नाम दिया हो, किसी का नाम निकनेम है घर में? yes. क्या निकनेम क्या है आपका? आपका नाम क्या है? रिबा। तो घर में क्या कहते हैं? तो फिर निकनेम तो ना हो, निकनेम किसी का होता है, जैसे किसी को कहते हैं मुन्ना, कोई ऐसे नाम प्यार से बुलाते हैं, या कुछ और इस तरह से पप्पू बुलाते हैं, रहते हैं ना, किसी के नाम लेते हैं, नन्नी कहते हैं, किसी को कहते हैं घर में छोटा नाम लेते हैं। तो केमिकल जो एलिमेंट्स हैं उनके नाम रखे हुए हैं, ये उनका चार्ट है। ये 100 के करीब एलिमेंट्स हैं जिसे पूरी दुनिया, पूरी यूनिवर्स बनी हुई है। और इसमें जैसे ये ओ लिखा हुआ है, ओ का मतलब है ऑक्सीजन, ओ का क्या मतलब है? ऑक्सीजन। और एच का क्या मतलब है? हाइड्रोजन। तो इस तरह ये सबके नाम लिखे हुए हैं। आयरन जो है वो देखो इसमें कहाँ पे है, ये देखो ये एफ ई, ये आयरन का नाम है। एफ ई जो है उसको प्यार से आयरन को कहते हैं, ठीक है ना, समझ आई है बात आपको? ये वाली जैसे किसी का नाम इफ्तिखार हो तो उसको प्यार से इफी कहते हो, कहते हैं ना, तो आयरन को प्यार से एफ ई कहते हैं। और इसी तरह ऑक्सीजन को ओ कहते हैं। ये याद रखने के लिए उन्होंने, साइंटिस्ट ने इनके नाम रखे हुए हैं। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? अब केमिकल्स जो है वो आपस में मिलकर नए केमिकल्स बनाते हैं, और इन केमिकल्स के मुख्तलिफ केमिकल, इसको क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। ये क्या होता है? ये बोर्ड मार्कर मुझे दीजिएगा। केमिकल रिएक्शंस है। अब केमिकल रिएक्शंस की टोटल 5 टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स हैं? 5। आप बताइएगा केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब होता है? मुख्तलिफ एलिमेंट्स मिलके, कुछ केमिकल्स आपस में मिलके नए केमिकल्स बनाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। जब केमिकल्स मिलके नए केमिकल बनाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस की टोटल कितनी टाइप्स बताई है मैंने आपको? 5 टाइप्स हैं केमिकल रिएक्शंस की। जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो इसको आप केमिस्ट्री की जुबान में साइंटिस्ट की तरह समझेंगे, लेकिन अभी हमने आपके लिए ब्लॉक्स के जरिए ये बात समझानी है, ठीक है। तो ब्लॉक्स के जरिए समझाने में 5, कितने किस्म के केमिकल रिएक्शन बताए मैंने आपको? 5 किस्म के केमिकल रिएक्शन आपको नजर आ रहे हैं सबको? आवाज भी आ रही है। एक केमिकल ये हो, ये दोनों केमिकल आपस में मिलके तो एक जुड़ के एक नया केमिकल बना दें। तो
इसको आप समझते हैं ये वाली बात को, ये इसका क्या मतलब है प्लस और इसका क्या मतलब है एरो। तो ये प्लस ये मिला, ये अलग अलग थे, ये मिलके जुड़ गए और इन्होंने एक नई चीज बना दी, तो ये क्या हो गया, एक टाइप के केमिकल रिएक्शन हो गए, इसको हम कहेंगे कम्बिनेशन, कंबाइन करके ये, ठीक है। मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले आपस में और उन्होंने मिलके वाटर बना दिया, तो ये एक टाइप होगी। इस टाइप की समझ आ गई आपको? किसको नहीं समझ आई, सबको समझ आ गई? बताएंगी आप क्या हुआ, ये ए और बी मिले आपस में, ये ए और बी आपस में मिले और इन्होंने ए बी बना दिया, एक चीज बना दी। तो ये दोनों ब्लॉक्स, ये केमिकल अलग अलग थे, मिलके इन्होंने, ये देखो ये ब्लू और पर्पल है, ये भी ब्लू और पर्पल है, तो ब्लू और पर्पल जो है मिलके अब ये एक चीज बन गई, पहले ये अलग अलग चीजें थी अब ये एक चीज बन गई, ये एक टाइप का केमिकल रिएक्शन है। और दूसरी टाइप का केमिकल रिएक्शन जो है वो क्या है कि एक चीज हो और वो टूट के दो चीजें बना दे, ऐसा हो सकता है? हो सकता है ना। तो ये केमिकल रिएक्शन है, ये एक चीज थी, ये टूटा और ये टूट के इसने दो अलग अलग चीजें बना दी। तो ये ए भी था, पहले वाले में दो मिले थे और एक चीज बनाई थी, इसमें एक चीज टूटी और उसने दो चीजें बना दी। इसकी मिसाल भी ऐसे ही है, पानी के अंदर से बहुत ज्यादा बिजली गुजारते हैं तो वो अलग से और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग बन जाता है। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है, पहले वो उन्होंने मिलके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलके वाटर बनाया था, अब वाटर ने टूट के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना दिए, तो ये दूसरी टाइप के केमिकल रिएक्शन हो गए। हाइड्रोजन एक एलिमेंट होता है, जैसे ऑक्सीजन एक एलिमेंट होता है, कार्बन एक एलिमेंट होता है, इस तरह से ये सबसे जो छोटा एलिमेंट होता है ना वो हाइड्रोजन है। अब एलिमेंट की मिसाल ये है, अगर ये मैं पिंक वाले सारे जोड़ दूं, तो ये पिंक वाले ये उसके एटम है, ये मिलके ये सारे का सारा एक जैसा है, सारा पिंक का पिंक ही है ना ये, तो कोई चीज जब टूट के भी वही रहे तो उसको एलिमेंट कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, एलिमेंट। ऑक्सीजन जो है उसके अंदर सारे ऑक्सीजन ही होते हैं, जो होगा हाइड्रोजन होगा उसके अंदर सारे हाइड्रोजन ही होंगे, तो जो एक ही तरह की जब मिलके चीजें जो होती हैं उसको, कॉपर जो है वो भी एलिमेंट है, जो अरम है सोना जिसको कहते हैं गोल्ड वो भी एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एलिमेंट, कुछ एलिमेंट जो है वो लिक्विड होते हैं, कुछ एलिमेंट जो है वो सॉलिड होते हैं, कुछ एलिमेंट जो है वो गैस होते हैं, तो हाइड्रोजन एक गैस है। सारे ऊपर चला गया, अब वो जो उसके अंदर छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं ये आपको नजर आ रहे हैं, yes. पानी अभी साफ नजर आ रहा है कि नहीं, yes. साफ है पानी, yes. और आप आके देखना चाहें तो ये देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे ड्रॉप्स इसके ऊपर है, लाइट ऑफ करना, चार चार बच्चे आके आगे आगे, पहले आदमी ले जाना आके देखो, ये भी ऊपर है ड्रॉप्स, सबको ऊपर नजर आ रहे हैं, आप भी देख लो, आ जाओ, एक वो लोग आ जाए ना प्रार्थना में, आ जाओ कुछ लाइट से ला दो, नजर आ रहे हैं, ये डिफ्यूजन इसको कहते हैं, पानी जो है उसके अंदर कलर नीचे नीचे आ रहा है, देखो एक एक ड्रॉपर हर एक बच्चा पकड़ लिया, एक ड्रॉप इनको तीन चार को तीन को पकड़ना होती है, अच्छा इधर एक उसको दे, एक मुझे भी, चलो बस अभी बस ठीक है, अब देख लो इतना मत आओ इधर, इसमें से ड्रॉप पर उठाओ, हाँ कुछ नहीं, अब बस मुझे दे दो, ये जैसा मैं डालने लगा, जो बड़े बच्चे हैं वो देख के ध्यान से डालेंगे, अच्छे आप इसको देखने दें, इसके साइड पे डालना है अपने, एक इधर डिजाइन बनाना है, ठीक है, ये वाला था ना, एंड वाला, फर्स्ट वाला ये था, चलो अब दूसरा वाला, ये आओ इधर आ जाओ, एक इधर एक इधर, ये कैसे कैसे नहीं, एक इधर और ये लो, एक इधर
ऐसे सारा नहीं डालना था ना, एक ड्रॉप डालना, छोड़ दो बाकी जितने भी हैं बच्चों, आप लोग सीट पे बैठो, आप सब सीट पे बैठो। और कौन सा रह गया? मैं भी। आप लोग सीट पे बैठो ना, आप लोग ये देखो। चलो अब क्या करना है, इसके बिल्कुल सेंटर में, इसके सेंटर में एक विग डाल देना है, ये लिक्विड सोप। अब देखें क्या होगा थोड़ी देर में डिजाइन। वो देखो मिल्क की प्रोटीन को वो खींचना शुरू कर दिया उसने। ये लोग आ जाएंगे ना, फिर आप लोगों को बुला देंगे, बैठ जाओ। सेकंड टाइम आप लोग परफॉर्म कर लेना, ठीक है? नहीं मिल रही सीट, सीट नहीं मिल रही, ये दूर डाल दिया ना तुमने, दूर नहीं डाल दिया ना। ये देखो वो उसके अंदर से मिल्क जो है, सोप जो है, वो उसके अंदर जो दूध के अंदर प्रोटीन होती है उसको इकट्ठा कर रहा है, जिसकी वजह से कलर्स जो है वो मिक्स हो रहे हैं सारी जगहों पे जाके। नजर आ रहा है आपको? yes. चलो बैठो अब, विद नेक्स्ट वाले की बारी आती है। अभी और डिजाइन बनेगा इसके अंदर, ये देखो डिजाइन बन रहा है ग्रीन, अभी ये थोड़ा सा ग्रीन है ना, अभी थोड़ी देर देखो पड़ा है। सारा कॉपर जो है ऐसे सारे कॉपर को डिजोल्व कर देगा आपके अंदर। अभी थोड़ी देर बाद देखना बिल्कुल ग्रीन हो जाएगा, और इसके अंदर ग्रीन कलर के फ्यूम्स आएंगे। मैंने ऊपर से बंद कर दिया ताकि आपकी नाक तक ना आएगी हमारे पास, ठीक है? गैस निकलेगी, उसके बाद जोर से आवाज नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा, इसी वजह से बस धुआं निकलेगा और ये कॉपर जो है वो ग्रीन कलर का उस केमिकल में डिजोल्व हो जाएगा। तो ये केमिकल रिएक्शन है, ऐसे इसके अंदर मेटल जो है ये वाली कॉपर के साथ रिएक्ट करके वो नई चीज बना देगी, कॉपर नाइट्रेट बना देगी। इसके अंदर डिफरेंट नाइट्रिक एसिड है ना, तो वो कॉपर का ऑक्साइड और चीज बन जाए। देख लो ये कलर चेंज हो रहा है नीचे, नजर आ रहा है कौन सा कलर आ रहा है? तो ये ग्रीन कलर का जो है एक नया केमिकल बन रहा है, ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ये क्या चीज हो रही है? और आपको ज्यादा डिटेल इसलिए नहीं बताई कि आपने याद थोड़ी रखना है, सिर्फ इतना ही पता करना है ना कि केमिकल रिएक्शन होते हैं वो क्या चीज होते हैं। इतनी तो समझ आ गई है ना, तो बाकी नाम वगैरह बड़ी क्लासों में जाओगे तो पता चल जाएगा। अभी हमने इसमें क्या डाला है, कॉपर किसमें डाला हमने? एसिड के अंदर। एसिड का तो पता है ना सबको, और कॉपर का भी पता है। तो कॉपर को जब हमने एसिड में डाला है तो उसने केमिकल रिएक्शन शुरू कर दिया। इसके बाद इसका ढकना बंद करो, उसको मिक्स करो। मिक्स ही तो करना था, पिछली दफा इन्होंने मिक्स नहीं किया था, इसलिए वो ऊपर ऊपर वाला रिएक्ट किया और वो कितना अभी बंद करके अच्छी तरह ढाक बनाओ। और डाल दो इसमें थोड़ा टमाटर, पानी और डाल दो, पानी डाल दो। बोतल की वजह से ऐसा हुआ है, उसके ऊपर रास्ता कम हो गया था ना, ये अच्छा है ना। बच्चों सीट्स पे, सीट्स पे अपनी अपनी, पीछे सीट्स पे।